हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय फिल्म। सो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि गाड़ी चोरी होने पे इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाए, उसका प्रोसेस पूरा कम्प्लीटली मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हो लास्ट वीडियो को। सो ये उसी का मैंने बताया था कि आज इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट टू निकालूंगा इसका, जो उसी में से एक पॉइंट था कि जब फाइल FIR करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, जब गाड़ी चोरी हो जाती है तो कई केसेस सामने देखे गए कि FIR ही नहीं लिखते हैं वहां पर। कहते हैं कि 10 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। जिसकी चोरी होती है वो बड़ा परेशान हो जाता है, यार 15 दिन बाद बुला रहे हैं, चलो 15 दिन बाद जाऊंगा मैं। बट ऐसी गलती कभी मत करना। FIR तुरंत होती है जब भी गाड़ी चोरी होती है, याद रखना। एंड पुलिस वाले उस काम को टालते हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आ जाना, हो सकता है इस बीच में आपकी गाड़ी हमें मिल जाए कहीं से। बिल्कुल भी मत करना। उसी टाइम ऑन द स्पॉट थाने में, जिस भी लोकल थाने में आप जाओगे, वहां से उस FIR की कॉपी जरूर लेके आना। एंड उसी टाइम करानी है आपको FIR, वो भले ही टालें। सो करवानी कैसे, उनको बोलिए कि 15 दिन में कहाँ से आ जाएगी, मुझे अभी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है इस कॉपी के साथ FIR की, तो मेरी FIR अभी लिखिए, वरना जो SHO होगा उस थाने का, उसके पास जाइए आप एंड समझाइए उसको, बताइए उसको। एंड फिर भी अगर वो नहीं करते हैं तो सीधा, मैंने आपको नंबर दे ही दिया था मेरे पिछले वीडियो के अंदर, कि इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दो, फिर मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, जो भी इसके बाद प्रोसीजर होता है, वरना वो कर ही लेंगे। हार्डली 5 मिनट लगते हैं FIR में गाड़ी चोरी की, एंड फिर वो 5 मिनट के काम को टाला जाता है 15 दिन के लिए। तो उनपे फोर्स कीजिएगा कि जैसे वो फोर्स करते हैं आप पे, आप भी फोर्स कीजिएगा कि अभी लिखिए मेरी FIR, वरना फिर हायर अथॉरिटी के पास जाऊंगा कि आपने मेरी FIR नहीं लिखी है गाड़ी चोरी की। तो ऑन द स्पॉट लिखवाइए, 5 मिनट लगेंगे उनको लिखने में। उसके बाद होता क्या है, वो FIR जब लिख देते हैं, आपको कॉपी देते हैं उसकी, सो वो जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होगा उसके पास जाना आपको, उसी थाने में होगा, वो भेज देंगे आपको उसके पास। आराम से वो पूरा लिखते हैं डिटेल में, कई पेजेस में गवाह के साइन लेते हैं, जैसे आप किसी फ्रेंड को ले गए तो वो उन्हें गवाह बना के उनके भी साइन ले लेते हैं, चलता है ये सब। तो जिसको भी साथ ले जाओ वो साइन कर देगा, कि डिटेल में साइन करवाएगा वो, गवाह के भी आपके भी। फिर आपके साथ वो आपके जहां से चोरी हुई वहां पर जाएगा, जो पुलिस वाला है आपके साथ जाएगा, वो जहां से भी आपकी गाड़ी चोरी हुई है, सो वहां जाके वो उस चीज का पूछताछ करेगा। एंड उस जगह का वो मैप बनाएगा, रफ मैप बनाएगा कि किस टाइम हुआ, कैसे हुआ, कौन सी जगह आसपास क्या है, कौन से रास्ते हैं, एक रफ स्केच बनाएगा उस जगह का। एंड उसके बाद जितना भी जेरोक्स वेरोक्स, फिर उसके बाद वो सर्च करते हैं उस गाड़ी को। इस बीच आप कॉपी ले ली, वो आपके काम की है, वो इंश्योरेंस कंपनी में जमा करानी है। तो होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, FIR नहीं लिखते तो उन पे आप फोर्स डालिएगा पुलिस वालों पे कि अभी लिखनी है आपको, एंड हार्डली 5 मिनट लगेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा। सो ये ध्यान रखिए, FIR ऑन द स्पॉट ही कराएं, उस पर डिले मत कीजिए। वो कहेंगे आपको कि 15 दिन बाद आ जाना, हो सकता है इस बीच गाड़ी मिल जाए, बिल्कुल भी यकीन मत करना। कहना मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो अभी मेरा क्लेम ही चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, इसलिए मेरी आप FIR अभी लिखो। सो यही उसका सॉल्यूशन है उस चीज का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फिल्म। थैंक यू।